दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों ये क्वेरी मार्केट में बहुत हद तक चली, जिस पर डिस्कशन भी हुए कि क्या भारत छोड़ने से पहले अब इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है। इस संदर्भ में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो उभर करके इसके साथ साथ आए कि ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्या टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जैसी कोई व्यवस्था इनकम टैक्स एक्ट 1961 से एमिनेट यानी पैदा भी होती है या नहीं होती, और वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी करना बहुत आवश्यक हो गया कि कब किसी करदाता को भारत छोड़ने से पहले से विदेश यात्रा करने के लिए इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों मैं इसी संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह करता हूं कि व्हाट इज एन इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर संक्षेप में बोलूं तो ITCC, और क्या यह कंसेप्ट वास्तव में विद्यमान भी है या केवल एक कल्पना के आधार पर डिस्कशन हो रहे हैं। तो यहां मैं रेफरेंस लूंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 230 का, यानी धारा 230 आयकर अधिनियम 1961, जो अपने सबसेक्शन 1A में यह व्यवस्था करती है कि सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ एवरी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया शेल फर्निश इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी और सच अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब ए द परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू हिम अंडर सेक्शन 139 ए। इस प्रोविजो की चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा। द पर्पज ऑफ हिज विजिट आउटसाइड इंडिया एंड द एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ हिज स्टे आउटसाइड इंडिया। तो इस सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 230 की रीडिंग से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है कि इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पर्पजेस से भारत सरकार को अधिकृत करता है कि वो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट से ये बताए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत छोड़ करके यदि जा रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग या और कोई अधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति का पैन नंबर मांग सकता है, वो क्यों भारत से बाहर जा रहे हैं उसका पर्पस पूछ सकते हैं और उनका एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया क्या होगा। अब इसी सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 230 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक प्रोविजो और दिया गया, एक परंतु यदि हिंदी में बोलूं तो उस प्रोविजो में क्या बात की गई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच इन द ओपिनियन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी रेंडर इट नेसेसरी फॉर सच पर्सन टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन शैल लीव द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय लैंड सी और एयर। यानी आप जल से थल से अथवा वायु मार्ग से किसी भी तरीके से इंडिया नहीं छोड़ सकते अनलेस ही ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी स्टेटिंग दैट ही हैज नो लायबिलिटीज अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट और द एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट और द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। ये जो येलो बैकग्राउंड में आप ब्लैक मनी एक्ट की बात देख रहे हैं, ये ब्लैक मनी एक्ट वाली व्यवस्था इंसर्ट हुई है रीसेंट बजट बजट 2024 से, यानी फिनेंस नंबर 2 Act 2024 से। और दैट सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल और एनी ऑफ सच टैक्सेस व्हिच आर और मे बिकम पेबल बाय दैट पर्सन। अब फिर से अपनी बात को समराइज करता हूं कि इनकम टैक्स की धारा 230 सबसेक्शन 1 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ रहा है जो इंडिया में सामान्यतः निवासी है डोमिसाइल्ड है तो आयकर विभाग या उनकी ओर से अधिकृत कोई अधिकारी उस करदाता से उसका पैन नंबर उसका पर्पस और एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया पूछ सकते हैं। वहां सर्टिफिकेट की बात नहीं थी कि एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाए, लेकिन इसी सबसेक्शन 1 ऑफ 230 के प्रोविजो में ये बात की गई कि आपसे आप किसी भी प्रकार से यदि जल से थल से वायु मार्ग से भारत छोड़ते हैं तो आपसे ये टैक्स क्लियरेंस मांगा जा सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी से जो आप ऑब्टेन करके देंगे कि आयकर विभाग या वेल्थ टैक्स के अंदर या एक्सपेंडिचर टैक्स में या ब्लैक मनी एक्ट में आपके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं है या आउटस्टैंडिंग है तो आपने उसके भुगतान संबंधी सफिशियंट व्यवस्था कर दी है। तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि हाँ साहब इनकम टैक्स टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इनकम टैक्स लॉ में विद्यमान है। और ये भी कहूंगा कि सबसेक्शन 1A की जो व्यवस्था आई थी ये दोस्तों आई थी फिनेंस एक्ट 2003 से,
तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। फिनेंस एक्ट 2003 यानी वित्त वर्ष 2003-04 से व्यवस्था ऑलरेडी इनकम टैक्स लॉ में विद्यमान है। दोस्तों इसी सेक्शन 230 सबसेक्शन 1A में पहले प्रोविजो के बाद एक दूसरा प्रोविजो और है, वो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल मेक इट नेसेसरी फॉर एनी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन अनलेस ही रिकॉर्ड्स द रीजन देयर फॉर एंड ऑब्टेन्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच सेज के इनकम टैक्स अथॉरिटी ऊपर वाले प्रोविजो में जिसकी अभी हमने चर्चा करी उसको तब तक किसी भी व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए नहीं बोल सकती जब तक के वो इस आशय की एक अप्रूवल प्रायर अप्रूवल संबंधित प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से या चीफ कमिश्नर से ऑब्टेन ना कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इससे ये बात होती दिख रही है कि अगर किसी से इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है तो उससे पहले संबंधित अधिकारी को भी अपने सीनियर अथॉरिटी से जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर ऐसे अप्रूवल लेने लगे तो हर व्यक्ति के लिए तो ये अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होगा। अभी इस पर एक और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आगे डेवलप करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स एक्ट ने भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू सीबीडीटी जो कि चीफ इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको ऑथराइज किया क्योंकि वो इस संबंध में दिशा निर्देश तय करें। तो सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2004 निकाला जो कि डेटेड 5 फरवरी 2004 था। उसके थ्रू ये कहा कि सीबीडीटी वाइड इट्स इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2004 डेटेड 5 फरवरी 2004 हैज specified that tax clearance certificate under section 231A may be required to be obtained by persons domiciled in India only in the following circumstances. अब ये परिस्थिति समझना बहुत जरूरी है। Where the person is involved in serious financial irregularities and his presence is necessary in investigation of cases under income tax, wealth tax and it is likely that a tax demand will be raised against him or where the person has direct tax arrears exceeding rupees 10 lakh outstanding against him which have not been stayed by any authority. तो सर इंडिया से बाहर जाने वाले व्यक्ति के लिए सीबीडीटी ने 2004 में एक इंस्ट्रक्शन निकाले थे और ये कहा था कि ऐसा रिक्वायरमेंट डाला जा सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए डाला जा सकता है अंडर सेक्शन 231A कि जो किसी सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में अभी प्रेजेंटली उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रहा है और संभव है कि उनके अगेंस्ट टैक्स डिमांड होगी या उस व्यक्ति के विरुद्ध ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर की एक टैक्स डिमांड आउटस्टैंडिंग है जिस पर अभी किसी अथॉरिटी ने स्टे नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट में टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की व्यवस्था सीबीडीटी ने अपने इंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी कर रखी है। अब हुआ क्या दोस्तों, अल्टीमेटली बजट 2024 यानी फिनेंस नंबर 2 Act 2024 जो 23 जुलाई 2024 को घोषित हुआ बजट, उसके एक इंटरप्रिटेशन ये चलने लगी कि 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स कोई भी व्यक्ति जो इंडिया छोड़ेगा उसको एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तभी वो इंडिया छोड़ सकते हैं। लेकिन इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन जारी किया 20 अगस्त 2024 को जो आपके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की इस वीडियो का क्रक्स है। इस पर्टिकुलर क्लेरिफिकेशन में सीबीडीटी ने कहा देयर अपियर्स टू बी अ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैड अमेंडमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट। इट इज बींग एरोनियसली रिपोर्टेड दैट ऑल इंडियन सिटीजन मस्ट ऑब्टेन इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट बिफोर लिविंग इंडिया एंड दिस पोजिशन इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। कितनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि सीबीडीटी खुद क्लेरिफिकेशन दे रही है कि आप ये मत मानिए कि हर इंडियन सिटीजन को इंडिया छोड़ने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बड़ा क्लियरली कैटेगरिकली उन्होंने कहा दिस पोजिशन इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, यानी हर व्यक्ति को ये नहीं लेना है सर्टिफिकेट। और बात क्या कायम रहेगी, वही जो अभी सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन हमने देखा और जो सेक्शन 230 सबसेक्शन 1A के दो प्रोविजो हमने देखे वो व्यवस्था कायम है। एज पर सेक्शन 230 ये अभी सीबीडीटी क्लेरिफाई कर रही है अपने क्लेरिफिकेशन में 20 अगस्त 2024 में, एज पर सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट
Every person is not required to obtain a tax clearance certificate. Only certain persons in respect of whom circumstances exist which make it necessary to obtain a tax clearance certificate are required to obtain the SAT certificate. This position has been in a statute since 2003 and remains unchanged even with the amendments by the Finance Number 2 Act 2024. बहुत क्लैरिटी अब इससे बन जाती है कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता उसी प्रकार रहेगी जो पहले होती थी. कोई नई व्यवस्था इस बजट से नहीं जुड़ गई. हाँ, इस बजट से ब्लैक मनी एक्ट में अगर किसी के अगेंस्ट में कोई पेंडिंग मैटर है तो उनको भी इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कहा जा सकता है. ये बदलाव जरूर आया, लेकिन ये समझना कि 1 अक्टूबर 2024 से जो भी व्यक्ति इंडिया छोड़ेगा उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग पूर्णतः गलत है. अब इसी क्लेरिफिकेशन से जो सीबीडीटी ने दिया है अगस्त 2024 में, उसी का और अंतिम कंटेंट रखता हूं. इन व्यू देयर ऑफ इट इज रिइटरेटेड दैट ITCC दैट इज इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट under section 230 subsection 1A of the act is needed by a resident domiciled in India only in rare cases. Very important, sir. When it is needed, only in rare cases such as A, again it is repetition, where the person is involved in serious financial irregularities or where a tax demand of more than 10 lakh is pending which is not stayed by any authority. और stay कैसे लेना है उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों. आपके charter accountant से आप संपर्क करेंगे तो अगर आपके against में कोई outstanding tax demand भी है तो भी उस टैक्स डिमांड के होने के बावजूद आपको स्टे ऑफ डिमांड लेने के बहुत से रास्ते इनकम टैक्स लॉ ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए आपके टैक्स एडवोकेट, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मदद कर सकते हैं. तो आई थिंक कि ये जो क्लैरिटी हमें मिल गई, इससे जो मार्केट में हवा बनी कि 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स इंडिया छोड़ने से पहले किसी भी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को, एक इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, उस विषय में पर्याप्त क्लैरिटी अब उपलब्ध हो चुकी है. तो अंत में दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से जो डिजायर्ड पर्पस था कि मैं आप तक इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के विषय में क्लैरिटी उपलब्ध करा पाऊं, वो उपलब्ध होगी. और यहां एक विमान आपको दिखाई दे रहा है जो लैंडिंग के लिए तैयार है मेरे हिसाब से, या हो सकता है ये विमान लैंड भी कर रहा हो, कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन ले. परंतु मेरी सद्भावना या मेरी यहाँ शुभकामना यही है कि यदि आप भारत छोड़ना चाहते हैं घूमने के पर्पस से या किसी और पर्पस से भी, तो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक रूल हो गया है, ये बात मानना गलत होगा. वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है. तो आई होप दिस विल बी यूजफुल. थैंक यू. जय हिंद.